जब जजमेंट आता है तो जजमेंट के हिसाब से हम लोग एनालाइज करते हैं कि टॉप थ्री कितनी कम है कितनी ज्यादा है। तो मोस्टली अगर हम ऑल ओवर देखें तो आई गेस 30-35 एरियाज हमने बाय कपिंग कवर करा है। इसके अंदर दोस्तों जय हिंद, मैं रूबल धनकर और आप देख रहे हैं रूबल धनकर फिटनेस। मेरी करंट बॉडी कंडीशन है जो अब तक की मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट कंडीशन में मान सकता हूँ इसको, लेकिन फिर भी मैं फैटी नहीं हूँ, लेकिन जितना मस्कुलर में रहता उतना नहीं हूँ। तो अभी बॉडी को रीस्टार्ट करने के लिए मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। आज मैं जाऊँगा सबसे पहले तो एक अपने फोटोशूट पर, उसके बाद जाऊँगा मैं कपिंग सेशन के लिए, कपिंग थेरेपी के लिए, और उसके बेनिफिट भी मैं आपको डॉक्टर से बताऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखें, आपको जरूर इसमें बेनिफिट मिलेगा, मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो फटाफट मैं नहा चुका हूँ, अभी रेडी होता हूँ और शूट के लिए निकलता हूँ। मैं और आनिक अभी रेडी हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? डैडी फोटोशूट पे। और उसके बाद मैं जाऊँगा कपिंग सेशन के लिए, क्योंकि मेरी बॉडी आपको पता है ना पहले से कम होगी ना, तो उसके लिए मैं उसे शौक दूंगा और ताकि वो मसल दोबारा से ग्रो हो सके। हम पहुंच चुके हैं अलीपुर के आसपास और मैप में दिल्ली हार्ट दिखा रहा है। कितना दिखा रहे हैं? 15 किलोमीटर यहाँ से 20 मिनट। इसका मतलब जाम नहीं है आज? एक तो संडे है इसलिए जाम नहीं होगा, फिर अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन का जो यहाँ काम चल रहा था वो लगभग काफी तेजी से चल रहा है। अच्छा, तो अभी जितना शूट कर रहा है वो हो चुका है, 1 बज गया है और शिवम ने बहुत मेहनत की है, ये बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। नीचे लिंक डालूंगा मैं, इंस्टाग्राम का फॉलो कर लो भाई को, और जिसे भी शूट कराने किसी भी तरह के तो वो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो मज़ा आया भाई, आपको अपडेट मिलेगी आज इंस्टाग्राम पे शाम को, तो स्टे ट्यून। तो मैं अभी आया हूँ एक डॉक्टर साहब के पास, अभी उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बॉडी की रिकवरी के लिए, मेरी मांसपेशियों की रिकवरी के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं एक कपिंग सेशन के लिए आया हूँ। मुझे उसके बारे में कभी भी नॉलेज नहीं है, मैंने कभी नहीं कराया, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो मैंने सुने हैं अपने फ्रेंड से, अपने एथलीट फ्रेंड से और देखे हैं। तो आज हम हैं डॉक्टर महमूद सर के पास, जो ये हैं हमारे सामने। हेलो एवरीवन, आज हम रूबल सर के साथ फर्स्ट टाइम कपिंग सेशन प्लान करने वाले हैं। कपिंग सेशन के बारे में मोस्टली आपने बहुत सारे गूगल करा हुआ, यूट्यूब वीडियोज देखी होंगी, बट ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा है तो ये मल्टीपल चीज़ों में काम करते हैं, क्योंकि कपिंग के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो जैसे आप लोग एथलीट्स हो, आप लोग एक्सरसाइज जब करते हो तो मसल आपका बहुत स्टिफ हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर मसल्स के आपके अलग अलग इंजुरीज आती है, स्पैजम्स आते हैं, नॉट्स आते हैं, तो इसको रिलीज करने के लिए हम लोग के पास जब सेगमेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले मायोफेशिया होता है। मायोफेशिया हमारे मसल के स्टिफनेस दूर करने के लिए, नॉट्स और स्पैजम को रिलीज करने के लिए काफ़ी बेटर होता है। इसको और बेटर जाते हो तो हमारे पास एक HVMT थेरेपी होती है जो डीप टिश्यू पर काम करती है। उसके बाद अगर डिपेंड करता है कि हम लोग ट्राई कपिंग्स कर रहे हैं तो मसल की जो पोटेशियम पावर है उसको बेटर करता है। अगर उसमें टॉक्सिटी आती है तो आपने हिजामा का नाम तो सुना होगा, हिजामा ब्लड डिटॉक्सीफाई करता है। मोस्टली लोग जो साइकिल्स लेते हैं उसके बाद अगर बॉडी क्लीन करते हैं तो हिजामा उसका एक सेकेंड फेज होता है ट्राई कपिंग के बाद, दैट्स कॉल्ड वेट कपिंग। और अगर हम लोग मसल्स को ग्रोथ करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को साइज बहुत मैटर करता है, तो बैम्बू कपिंग ऐसी चीज़ होती है जो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस तेज करता है, मसल रिकवरी तेज करता है, तो बैम्बू कपिंग थेरेपी होती है। सो रूबल भाई का फर्स्ट टाइम है तो हम रूबल सर के लिए स्पेशली आज हम लोग मायोफेशिया करेंगे स्टिफनेस दूर करने के लिए, HVMT करेंगे डीप टिश्यू करने के लिए, और ड्राई कपिंग करेंगे मसल को और ज़्यादा बेटर रिलैक्स करने के लिए। यू जस्ट हैव टू, अभी मैं बिल्कुल रॉ कंडीशन में हूँ, तो ये अभी मेरी कंडीशन है जो बहुत ख़राब है, तो मैं उल्टा लेटू सर? या जो बॉडी पे हेयर है कोई दिक्कत नहीं है ना? यहीं पर लेटू? या
अब जितने लोग मुंह से एक्सरसाइज करते हैं बैक एरिया होता है, तो बैक आप जानते हैं बैक मेजर इशू मेजर मसल होता है जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इसको हम रिलीज करने के लिए पहले क्या करते हैं, एक कोई भी एक अच्छा ऑयल या क्रीम हर्ब ऑयल का यूज़ कर लेते हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो बायोटेक का यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस फ्री ऑयल। सो आते अप्लाई करने के साथ ऑयल के साथ तो स्लोली स्लोली करते हैं, जिससे क्या होता है मसल के उस एरिया पे जिस पे हम लोग ये चीज़ रिलीज कर रहे हैं वहाँ धीरे 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 ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो जाता है रब करने के साथ। यू कैन सी पूरा एरिया कितना रेड हो गया अभी इतनी देर में हम लोग ना एक मिनट इसको थेरेपी दिया है। ये जो रेडनेस आ रही है ना इट्स अ साइन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेशन पे कि हाँ ऑलरेडी रब करने के बाद मसल का आरबीसी काउंट बढ़ गई है, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो गया है। अब वहाँ पे जो भी स्टिफनेस है और नॉट्स हैं वो इस फीशिया ट्रीटमेंट के जरिए से रिलीव हो। HVMT करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर वोल्ड मसल थेरेपी। ये एक तरह से वाइब्रेशन मोड पे काम करता है क्योंकि हमारे डीप टिश्यू जितना होता है उसके ऊपर करता है। यू कैन सी द वाइब्रेशन के जितना एरिया पे काम करता है। सो अभी हमने मायोफेशिया किया जो मसल के स्पैदर मॉड को यूज़ करा, उसके बाद हमने HVMT पे काम करा जिसने डिप टिश्यू पे काम करा। अब हम लोग जब कप्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वहाँ का ब्लड फ्लो तेज़ कर रहे हैं क्योंकि मसल्स को जितना ब्लड फ्लो अच्छा मिलेगा मसल्स की रिकवरी उतनी अच्छी होगी। सो वी आर यूजिंग द ड्राई कप। ड्राई कप जो होते हैं वो भी मसल के ऊपर हम लोग वैक्यूम देते हैं। वैक्यूम देने से स्किन क्या होती है ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है। यू कैन सी कितना ऊपर की तरफ आ गया क्योंकि मसल जितना डीप होता है वो मसल उतना खोल नहीं पाता या स्टिफनेस दूर नहीं हो पाती, बट वैक्यूम देने की वजह से मसल ऊपर की तरफ आता है जिसमें ब्लड फ्लो भी तेज़ होता है और मसल का जो हार्डनेस होती है वो भी सॉफ्ट काफ़ी बेटर हो जाती है। रूबल सर का ऑल ओवर हमने जब ड्राई कपिंग करा और ड्राई कपिंग में जब जजमेंट आता है तो जजमेंट के हिसाब से हम लोग एनालाइज करते हैं कि टॉक्सिटी कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। तो मोस्टली अगर हम ऑल ओवर देखें तो आई गेस 30-35 एरियाज हमने ड्राई कपिंग कवर करा जिसके अंदर ऑलरेडी लंग्स होते हैं, लिवर होती है, हार्ट पॉइंट, किडनी पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ का जो स्टेग्नेशन लेवल है ऑल ओवर के हिसाब से आई गेस 2 या 3 के अंदर स्टेग्नेशन आया है, वो भी वाइटल ऑर्गन्स भी नहीं है मसल एरिया पर आया। इस हिसाब से जो एनालाइज आया है 30 इस पर हेल्दी सर्कुलेशन आया, तो ये पता चलता है कि बॉडी जो सर की है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, हेल्दी सर्कुलेशन है, टॉक्सिटी बिल्कुल नहीं है और काफ़ी नेचुरल और नीट एंड क्लीन बॉडी है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे तीनों सेशन डन कर दिए हैं और मुझे बहुत बॉडी हल्की लग रही है। तो इसमें एक प्रिकॉशंस है जो सर ने बताया है, अगर आप भी सर के पास आएंगे नीचे नंबर है आप बुक करा सकते हैं अपना स्लॉट, तो एक प्रिकॉशन जो सर ने दिया है वो सर बता दीजिए। देखिए मोस्टली क्या होता है अगर इस पर दो चीज़ें अलग हम लोग बात करते हैं। ड्राई कपिंग होता है सिर्फ आपको एक्सरसाइज माना करना होता है क्योंकि बॉडी को हम रिलैक्सेशन के लिए थेरेपी करते हैं, तो बॉडी को 24 रिलैक्स छोड़ना है, आपको किसी तरह से कोई एक्सरसाइज या हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर कुछ लोग उसमें हिजामा प्रिफर करते हैं तो हिजामा के जो प्रिकॉशन होते हैं उसमें आपको नॉनवेज खाने का मना होता है, आपको मिल्क प्रोडक्ट्स का मना होता है, दही पनीर दूध और कुछ जगह पे पानी लगने का मना होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि हीलिंग आपकी जितनी जल्दी होगी बॉडी उतनी जल्दी नेचुरली रिकवर भी हो जाएगी। तो ड्राई कपिंग में एक्सरसाइज का मना होता है, अगर कोई हिजामा या वेट कपिंग कराता है तो उसमें 3 मेजर चीज़ों को फॉलोअप करना पड़ता है। 24 आवर्स का प्रिकॉशन होता है, उसके बाद आपकी जैसी नॉर्मल लाइफ होती है वैसे आप उसको रिशेड्यूल कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रोटीन, डूइंग एक्सरसाइज एंड यू कैन टेक बाथ आल्सो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया और आप भी करा सकते हैं, नेचुरल चीज़ है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है मसल्स के लिए, माइंड के लिए और मसल जो आपकी रुकी हुई है ग्रो नहीं कर पाती है उसके लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है बहुत हल्का हो गया हूँ। डेफिनेटली माई प्लेजर सर, श्योर हम लोग फिर कुछ प्लान करेंगे कुछ और बॉडी के बेनिफिट के लिए और एक्स्ट्रा नई कपिंग में सर। तो मैं जैसे ही सर का अगली बार का रूटीन होगा दिल्ली का तो मैं सर से अपना बुक करा लूँगा स्लॉट, और अगर आपको कराना है तो सर के पास जो भी स्लॉट खाली होंगे आप बुक करा सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम पे DM कर लीजिए, सर का नंबर डाल दूंगा तो वहाँ पे भी आप बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय दीजिए।